हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम ई एकेडमी। आज हम 21 अगस्त का न्यूज़पेपर करेंगे, द हिंदू। पेज नंबर 1 पे जो पहली खबर है आपकी, यूके कन्फर्म्स नीरव प्रेजेंस। तो ये नीरव मोदी वही है जिन्होंने पीएनबी के संग बहुत बड़ा घोटाला किया है। पीएनबी के साथ ये भारत छोड़ के जा चुके हैं और ये यूके में है, ठीक है। ये इनकी प्रेजेंस जो है यूके ने खुद कन्फर्म करा है कि ये हमारे देश में देखे गए हैं। तो इसमें हमें पेपर 3 में हमारा मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक टॉपिक है और मनी लॉन्ड्रिंग से एक क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं मेंस में, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो उसमें हमें मेन चीज़ क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। हमें इतना तो पता है कि भारत के जो लोग हैं, भारत में जो है कुछ ना कुछ घोटाला करके विदेश भाग जाते हैं, तो उनको भारत में वापस कैसे लाया जाए जिससे उन पर चार्जशीट दायर की जाए, ठीक है, उनको कन्विक्टेड घोषित किया जाए। तो अगर हमारी कंट्री की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, इस ट्रीटी के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो ये इंडिया है हमारा और कोई एक देश है, अगर हमारी इस देश से, इस एक्स देश से हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो हम इस देश को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस वांटेड पर्सन्स को इंडिया को सौंप दे। तो अगर हमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है तो भारत को ये बहुत ज़रूरी है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा देशों से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करें। और भारत इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे देशों से हमने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता ही है। अब क्या है, इंटरपोल का भी एक मेन रोल आता है। इंटरपोल जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, दुनिया में जितनी भी पुलिस है, टोटल जो है 192 जो है मेंबर इसकी कंट्री हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है कंट्रीज़ हैं, उनकी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना जिससे पूरे विश्व में शांति फैलाई जा सके, ये इनका मेन काम होता है। और इंटरपोल रेड नोटिस जो है, इंटरपोल ने अपना रेड नोट, तो हम इंटरपोल की बात कर रहे थे, अगर इंटरपोल रेड नोटिस जो है अपना इशू कर देता है तो जो जिस पर्सन के खिलाफ करता है इशू, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इंटरपोल भी साथ देता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। सीबीआई ने इसीलिए, भारत की जो सीबीआई है, उसने डिटेंशन की मांग करी है। तो पेपर नंबर 2 के ये हैं कुछ चीज़ें कि भारत के लोग कैसे बाहर भाग जाते हैं, उनको कैसे रोकना है। टोटल जो है मनी लॉन्ड्रिंग अलग से हम मेंस की क्लास में पढ़ेंगे। पेज नंबर 2 में नॉर्थ स्टेट्स कम टू फाइट ड्रग्स। नॉर्थन जो स्टेट है, ठीक है, कौन कौन से मेनली स्टेट हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल आया है इंटर स्टेट रिलेशनशिप का, कैसे वो मिलजुल के देश हित में काम करें। तो पेपर नंबर 2 में आपको लिखना है, हम देखो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी पढ़ते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोऑपरेटिव में, फेडरलिज्म में क्या होगा कि जो स्टेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के संग मिलके कैसे काम करता है। कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि दो स्टेट जो है आपस में कैसे कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन अच्छा प्रदर्शन करे, तो दोनों ही जो है देश के हित में होते हैं। इसी ऐसे ही जो है हम ये एग्जाम्पल भी डालेंगे कि नॉर्थन स्टेट जो है कौन कौन से, एक है उत्तराखंड आपका, एक है हरियाणा, एक है हिमाचल प्रदेश, एक है पंजाब और यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड चंडीगढ़। ये जो है सब मिलके साथ आए हैं कि ये ड्रग्स को फैलने से रोकेंगे, ठीक है। जो ड्रग्स का जितना बड़ा सर्कल चल रहा है, इलीगल सर्कल, इससे लड़ाई की जाएगी। और इन्होंने इस चीज़ का सेक्रेटरीट पंचकुला में बनाया गया है। तो एक सिंपल एक एग्जाम्पल है इंटर स्टेट रिलेशनशिप का पेपर नंबर 2 में, कि कैसे स्टेट भी मिलजुल के काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही मिलजुल के काम हम क्या कर सकते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उनको भी दूर कर सकते हैं, जो बॉर्डर में स्टेट हैं, जो स्टेट जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में आते हैं, वो मिलजुल के कैसे काम कर सकते हैं टेररिज्म के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो उन सब में हम ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं। पेज नंबर 4 पे है, 2 ईयर्स ऑन 2.5 लाख फार्मर अवेट्स इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। महाराष्ट्र का एक केस सामने आया है, उसे हमें पक्का लिखना है कि 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 2.5 लाख के आसपास फार्मर हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उनको कनेक्शन नहीं दिया गया है। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के एग्रीकल्चर वो क्या करेंगे। जो महाराष्ट्र इसकी जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है, वो कह रही है उनके पास फंड नहीं है। तो उनके पास फंड नहीं है तो इनमें इन किसानों की तो कोई गलती नहीं है। तो एक ये इशू भी लिखना है कि फार्मर में इतना डिस्ट्रेस पहले से हो रहा है, और एक नया ताज़ा एग्जाम्पल आया महाराष्ट्र में कि बेचारों को बिजली तक नहीं मिल रही है। पेपर नंबर 3 में अब है क्राउड फंडिंग टू सेव वुमेन रेडियो 5 स्टार, इसको हमें से याद रखना। देखो ये भारत का पहला कम्युनिटी बेस्ड रेडियो, ठीक है,
स्टेशन था संगम नाम से, ठीक है। ये मेनली जो दलित वुमेन है, ठीक है, माइनॉरिटी वुमेन थी, उनके द्वारा चला जाता था। अबाउट 5,000 वुमेन इससे मिलकर चलाती थी। डिफरेंट डिफरेंट जिसमें प्रोग्राम आते, जैसे FM रेडियो होता है हमारा, उसी तरीके से ये एक रेडियो चैनल था संगम नाम से। कम्युनिटी बेस्ड था, ठीक है, लोग मिलके इसको चलाते थे। लेकिन अब इसको खुद के सर्वाइवल के लिए, क्राउड फंडिंग के लिए उन्होंने अपील करी है कि हमें प्लीज़ पैसा दीजिए जिससे हम अपनी सर्वाइवल कर सकें। तो पहला जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड रेडियो था वो बंद होने वाला है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक तरीके से हम क्या कहते हैं कि NGO को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए जिससे कि कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट हो सके। और जो पहला हमारा रेडियो स्टेशन है वो भी सफलतापूर्वक नहीं चल पा रहा है। कुछ कारण बताया गया कि गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इनको पैसा टाइम पे नहीं दे रही है। सर्विस गवर्नमेंट ने ली थी, क्योंकि चैनल में क्या करती है, गवर्नमेंट भी अपने एडवर्टाइजमेंट देती है, और वो ड्यूज़ जो है अभी तक वैसे के वैसे हैं। पैसा ना मिलने के कारण इनके ऊपर सर्वाइवल का भी संकट आ गया है। तो इस एग्जाम्पल को याद रखोगे पेपर नंबर 2 के लिए। पेज नंबर 8 पे RECP पे पूरा आर्टिकल आया है। अब इसको हम अच्छी तरह पढ़ते हैं। RECP का जो आर्टिकल है वो, RECP क्या है, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, 10+6 बोलते हैं इसको। तो 10 जो मेंबर हैं वो आसियान के मेंबर हैं, ठीक है, और जो 6 मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, एक है आपका ऑस्ट्रेलिया, एक है आपका चाइना, एक है इंडिया, एक है जापान, एक है न्यूजीलैंड और एक है कोरिया। तो ये जो है आसियान जो है एक रीजनल ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें आसियान नहीं, RECP रीजनल ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें आसियान और +6 कंट्री ये हैं जो भाग ले रही है। RECP का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस साल पूरा फाइनलाइज होने के कागार पे है। तो अब भारत के लिए 2-4 प्रॉब्लम आ रही हैं, वो प्रॉब्लम हमें इस आर्टिकल में डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात, अगर RECP को भारत यस कह देता है तो इसके तहत RECP में क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, ये 16 की 16 कंट्री एक दूसरे के कंट्रीज़ में अपने अपने सामानों को बहुत आसानी से भेज सकती है बिना किसी ड्यूटी के या बहुत कम ड्यूटी के। तो अगर ऐसा होगा तो चाइना जो है, चाइना अपने आइटम इंडिया में सबसे ज़्यादा भेजेगा, क्योंकि सबको पता है इंडिया जो है बहुत अच्छा मार्केट है पूरे देश, पूरी कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो भारत में जब चाइनीज़ गुड्स ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या होगा, पहला सवाल इंडिया के सामने ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा है क्या है, इसीलिए इंडिया का आज तक, इंडिया ने आज तक चाइना के संग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है, इसी डर के मारे कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या होगा। भारत ने प्रपोज किया था जब इसमें नेगोशिएशन चल रहा था RECP के लिए कि डिफरेंट मार्केट एक्सेस हो, ठीक है। डिफरेंट मार्केट एक्सेस का मतलब होता है हम अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग टैरिफ रखेंगे, ठीक है, और वो डिफरेंट होगा कमोडिटी और मार्केट वाइज कि वो कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है। तो इससे हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते थे चाइना के गुड्स को। लेकिन इसको भी जितनी भी और अदर कंट्री RECP, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि कोई डिफरेंशियल मार्केट एक्सेस नहीं होगा। तो भारत के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा यह है कि चाइना की अगर बात ना भी करें तो और जो कंट्री हैं बाकी की बची, वो सारी कंट्री कह रहे हैं कि भारत अपनी कस्टम ड्यूटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस करे जिससे उनके प्रोडक्ट को भारत के मार्केट का एक्सेस ज़्यादा मिले। और कस्टम ड्यूटी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम कम कर देंगे तो फिर वही जो डर हमें चाइना के प्रोडक्ट का था, अब इन जो RECP की मेंबर कंट्री है इनके प्रोडक्ट का हमें डर 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 होगा कि ये कहीं हमारे डोमेस्टिक मार्केट को ख़राब ना कर दें, ठीक है। और भारत ने जो RECP कंट्री मेनली जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, सिंगापुर है, यहाँ पे भारत के लेबर बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो भारत ने बोला था कि फ्री मोबिलिटी करो इंडियन वर्कर के लिए। इस पे भी जो है सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया ने लगभग लगभग मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो भारत को बहुत तौर पे नुकसान भी हो रहा है, फ़ायदा भी होगा। कुछ RECP में जो 16 मेंबर हैं, कुछ कंट्रीज़ में अगले साल, ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या है, इलेक्शन होने वाले हैं। बहुत बड़ा इशू है, इंक्लूडिंग भारत में भी अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, नई सरकार बनेगी। और अभी इस समय जो कंट्री हैं उनका लास्ट, जो उनके टेन्योर का लास्ट ईयर है, ठीक है, तो इस समय वो प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, को अडॉप्ट कर सकती हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप समझो, मैं पहले लिख देता हूँ, PROTECTIVE,
PROTESTIONIST, प्रोटेक्शनिस्ट। इसका मतलब होता है कि कोई भी कंट्री से, भारत एक ऐसी कंट्री है मान लो, अगर इसने ये आइडियोलॉजी अडॉप्ट करी तो क्या करती है, इंपोर्ट जो आता है भारत में बाहर से, इस पे या तो ज़्यादा ड्यूटी लगा देगी, ठीक है, या कुछ ऐसे नॉन ट्रेड बैरियर लगा देगी जिससे कि क्या है, भारत में बाहर के देशों का आइटम ना आ पाए। और आजकल सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्टनिज्म कौन कर रही है, जितनी वेस्टर्न कंट्री वो कर रही हैं, वो डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करा ही नहीं रही हैं कुछ अपना, जबकि एक्सपोर्ट उनके पास भेजती रहती हैं। तो ये जो चल रहा है, अगर ये अभी चला या जो नई सरकार आएंगी उन्होंने अडॉप्ट करा तो क्या होगा, RECP का मतलब क्या है कि हर कंट्री अपने आइटम दूसरे में बैठे भेजेगा, तो अगर प्रोटेक्शनिज्म लग गया तो वो भेज ही नहीं पाएगा, और क्या होगा, हर कोई चाहेगा कि एक्सपोर्ट ही करता रहूँ, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर कोई इम्पोर्ट करे। अब इस कंडीशन में भारत को क्या करना चाहिए, भारत के सामने डायलेमा आ गया है कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाएं या हम अपने फ्री ट्रेड के थ्रू और लोगों से अपने अच्छे रिलेशनशिप बनाएं, रीजनल जो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और मजबूत किया जाए। तो इसमें यह है कि अगर भारत आउट होता है, ठीक है, क्योंकि इस साल ही फाइनलाइज हो जाएगा RECP, तो अगर हम आउट होते हैं RECP से तो चाइना को पूरा मौका मिल जाएगा अपनी प्रेजेंस को दिखाने का, और चाइना जो है पूरे REC ग्रुप में एक तरीके से अपनी लीडरशिप को और मजबूत कर देगा, रूल मेकिंग में भी वो घुस जाएगा, तो अगर हम बाहर निकलते हैं तो भी हमें नुकसान है। और दूसरा, हमारी एक पॉलिसी जो चल रही है एक्ट ईस्ट, अगर हम RECP से बाहर निकलें तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या होगा, ठीक है, 40% के आसपास जो है ग्लोबल GDP जो है RECP मेंबर करते हैं, तो कितना ज़रूरी है RECP में भारत का रहना और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना। तो ये इस पे आर्टिकल पूरा आया था। अगला हम पढ़ते हैं पेज नंबर 9 पे, व्हाट स्वच्छ भारत अभियान इग्नोर्स, बहुत ही शानदार आर्टिकल आया है, स्वच्छ भारत अभियान का क्रिटिकल एनालिसिस आया है और इसको हर एक बच्चा याद रखेगा, RECP आपका आएगा पेपर नंबर 2 में, स्वच्छ भारत अभियान पेपर नंबर 2, भारत की पॉलिसीज़। देखो इस पॉलिसीज़ में क्या था, अब हम इसको शुरू से पढ़ेंगे कि कब ये शुरू हुई थी, उस समय क्या आइडियोलॉजी थी, ठीक है, पास्ट की क्या क्या आइडियोलॉजी है भारत के, ठीक है, वो क्यों हिंड्रेंस पैदा कर रही है स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेस होने में। तो सबसे पहले हम देखें, जब स्वच्छ भारत अभियान आया था तो उस समय क्या था, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आई थी, ठीक है, हीरो हीरोइंस आए थे, उन्होंने झाड़ू उठाई थी और साफ़ सुथरा जो है भारत को करने का वचन लिया था, ठीक है, स्वच्छता दूत भी घोषित किए गए थे, तो वो तो पूरे क्या करते थे, प्रोटेक्टिव गियर पहनते थे पूरा, ठीक है, ग्लव्स व्लव्स पहन के बाकायदा सफाई करते थे, ठीक है, वही सोशल मीडिया में चला, सब लोगों को खुश हुए। लेकिन अगर हम देखें कि असली में जो म्युनिसिपैलिटीज़ में जो वर्कर हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू हर घर के सामने आते हैं, कूड़ा ले जाते हैं या रोड पे झाड़ू लगाते हैं, वो कौन है, ठीक है, सेलिब्रिटी तो हम एक तरफ करें, क्योंकि सेलिब्रिटी तो किसी भी कास्ट और किसी भी रिलीजन से हो सकती हैं, वो आई अपना ऐड करके चले गई, लेकिन अगर हम मेन लोग देखें जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो मेनली कौन है, दलित लोग हैं। अभी कोई भर्ती निकलेगी मैनुअल स्कैवेंजरिंग करनी, आपको कूड़ा हटाना है, रोड की सफाई करनी है, तो उसमें ओपन भर्ती होने के बाद भी देखा गया ज़्यादातर कौन लोग आ रहे हैं, जो लोअर कास्ट से हैं, क्यों, क्योंकि भारत का अगर इतिहास देखें, ठीक है, हम अपने जो हमारे रिलीजियस हिस्ट्री को देखें तो उसमें वर्ण व्यवस्था थी, तो उसमें जो है एक ही वर्ण के लोग जो है सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते थे, गंदा उठाना ये सब, तो वही आइडियोलॉजी आज भी हमारे दिमाग में जो है प्रिवेल करती है। कैसे करती है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेस्टर्न में जो स्वच्छता के जितने भी अभियान हैं, इतनी सफाई सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि जो वेस्टर्न अप्रोच है, ठीक है, वेस्टर्न अप्रोच में कोई कास्ट वेस्ट नहीं होता, वहाँ पे ये बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है सफाई करना, उसमें हर वर्ग के लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, केवल सेलिब्रिटी पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, ऐड में, ठीक है, या एक दिन स्वच्छता पखवाड़ा रख दिया, उस दिन आगे खूब बड़े बड़े भाषण दे दिए, सफाई करके दिखा दिया, लेकिन वहाँ पे कहाँ पे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन और स्टेटस, लोग सफाई पे पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक वेस्ट मैनेजमेंट होता है वहाँ पे। वहाँ पे क्या था, सीवरेज प्लान पूरा प्रॉपर होता है, जबकि भारत में अभी सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है, सीवरेज प्लान पे तो ध्यान दिया नहीं जाता है, ट्रीट जो वेस्ट
जो है उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाता है। और वेस्ट में क्या है, जो जितने भी हाउस होल्ड हैं ठीक है, और शॉप्स हैं मतलब दुकान है, वहाँ पे मैंडेटरी है क्या टॉयलेट बनाना। अगर आप आज आप कहीं पे भी रहते हो पूरे भारत में ठीक है, आप अपने मार्केट में जाना ठीक है, किसी भी दुकान पे जाना, उनसे पूछना कितने लोगों के पास टॉयलेट है ठीक है। हार्डली जो बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं उसी में आपको टॉयलेट मिलेगी, जबकि विदेश में मतलब वेस्टर्न जो अप्रोच है वहाँ पे आपकी एक छोटी शॉप भी है ठीक है, जूते की या कपड़े की, तो उसके पास भी एक छोटी सी टॉयलेट होगी वहाँ पे, तो क्योंकि वहाँ पे मैंडेटरी है, जबकि भारत में ऐसा मैंडेटरी ऐसा कुछ रखा नहीं गया है, आपको बड़े बड़े मॉल पे ही मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने हमारी पार्लियामेंट में जो आंकड़े दिए उनके अनुसार 300 लोग ठीक है मारे गए थे, दिसंबर 2017 के आंकड़े हैं, जो लेबर जो थे ठीक है, जब ये सफाई कर रहे थे, जो जैम्ड ठीक है मैन होल्स थे उनको सफाई करते समय, जो सीवरेज में खुलते हैं सफाई करते समय 300 लोग मरे ठीक है। ये कौन थे, ये एक ही कास्ट पैटर्न के थे, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। जो भारत में वेस्ट है ना उसको कैसे देखा जाता है, पॉल्यूशन से ठीक है, और एक पर्टिकुलर कास्ट से देखा जाता है कि इसी कास्ट के लोग इसको सफाई वफाई करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भारत में क्या चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के दौरान आपकी जो नगर पालिका है, म्यूनसिपैलिटी है, जो भी है, उसकी एक गाड़ी आती है वैन, आपके घर के आगे हॉर्न बजाती है, आप अपना कूड़ा इसमें डाल देते हैं, तो जब ये कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो ये गाड़ी जाती है ठीक है, एक जो होता है कंपोजिट यार्ड होता है, वहाँ पे सारा कूड़ा डंप किया जाता है, और लोग जो बेचारे काम करते हैं पर्टिकुलर एक कास्ट से, वो इसको सेग्रीगेट करते हैं, इनकी हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इनको प्रॉपर इनको गियर्स नहीं मिले हैं, प्रॉपर ग्लव्स नहीं मिले हैं ठीक है, ये रैंडमली जो है कूड़े को सेग्रीगेट करते रहते हैं, तो इनकी हेल्थ और हाइजीन के बारे में हम कुछ सोचते ही नहीं हैं ठीक है। पास्ट में जो क्या था, ड्राई लेटरिंग्स होती थी, वो क्या होती थी, घर के बाहर एक कोने में होती थी, और उनमें जाने के लिए भी एक सेपरेट इंट्रेंस छोटा सा लगाया जाता था। ड्राई लेटरिंग वो होती है जिसे फ्लश नहीं कर सकते हैं ठीक है, आपके पुराने घरों में हो सकती है, आज भी प्रिवेल हो ठीक है, अब भले ही उसका यूज़ नहीं करते हो, तो ड्राई लेटरिंग्स में क्या होता था, जो लोग आते थे जो मैनुअल स्कैवेंजरिंग करते थे, झाड़ू लेके आते थे और जितनी भी गंदगी होती थी उसको पानी से बहा के चले जाते थे, और उन लोगों को घर में अंदर आने की भी परमिशन नहीं होती थी, इवन आपके बच्चे उनको टच करते तो गंगा जल डाला जाता था। तो ऐसा लोगों के दिमाग में जो पहले था वो भी आज भी है। इस आर्टिकल ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ठीक है, ये सुन के लिख लेना जो मैंने बोला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये कहाँ पे है, शिमला में है, शिमला में है, इसको पहले बोलते थे आपका वाइस रीगल लॉज ठीक है, जो ये लॉज है बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है ठीक है, इसमें भी यही पैटर्न देखा गया कि इसमें क्या था, तीन तरह के इंट्रेंस थे ठीक है, इस बिल्डिंग में जो लॉज था, ये इस बिल्डिंग में क्या था, एक था रेजिडेंस के लिए इंट्रेंस, जो लोग रहते थे वो कहाँ से जाएंगे, एक था नौकरों के लिए सर्वेंट किस इंट्रेंस से जाएंगे, और एक इंट्रेंस था वो था स्वीपर के लिए ठीक है, और स्कैवेंजर जो है ये लोग उस जो है एंट्रेंस से एंट्री करते थे, और इसको स्वीपर पाथवे बोलते थे। तो जो हमारी कॉलोनियल आर्किटेक्ट है, ये किसका एग्जांपल है, कॉलोनियल आर्किटेक्ट, तो कॉलोनियल आर्किटेक्ट में भी यही चीज़ अपनाई जाती थी कि बेचारे स्वीपर्स के लिए एक अलग से गेट बनाया जाता था, वो उस गेट से जाते थे, सफाई करते थे, चले जाते थे। ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है कॉलोनियल आर्किटेक्ट का, इसका हम ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको क्या बोलते थे, वाइस रीगल लॉज भी बोलते थे। कहाँ पे है ये, शिमला में, और आज ये कन्वर्ट हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला ठीक है। फिर अगर हम देखें भारत में टेंपल्स ठीक है, टेंपल्स में आप टॉयलेट ढूंढना नहीं मिलेगा, जो बहुत बड़े बड़े टेंपल हैं उनमें टॉयलेट मिल भी जाएगी तो कहाँ होगी, आउटसाइड में। तो हम टॉयलेट को बिल्डिंग का इंटीग्रल पार्ट मानते ही नहीं है, इवन दिल्ली मेट्रो में सब हाई कोर्ट आया, उन्होंने बोला कि मेट्रो में टॉयलेट बनेगी, तो अब आपको मेट्रो में टॉयलेट्स जो है दिख जाती है, अभी भी कुछ कुछ मेट्रो में क्या है, टॉयलेट्स ही नहीं है।
तो भारत में जब तक इसको एज ए प्रोफेशनल एज ए लॉ नहीं बनाया जाएगा मैंडेटरी, तब तक हम अपने स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेसफुल तौर पे नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में आपको पंचलाइन क्या लिखनी है कि स्वच्छ भारत अभियान को हमें क्या करना पड़ेगा, कास्ट न्यूट्रल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक हम इसे कास्ट न्यूट्रल नहीं करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और इसको प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। खाली सेलिब्रिटी के आने से सक्सेसफुल नहीं होती, जब तक सभी कास्ट के लोग इसमें नहीं आएंगे, तब तक यह संभव नहीं होगा कि स्वच्छ भारत अभियान सक्सेसफुल हो जाए। तो कास्ट न्यूट्रल अप्रोच हर बच्चा याद रखेगा। इसके बाद हम चलते हैं जैसे पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 क्लाइमेट चेंज पे एक आर्टिकल दिया गया है, इसमें 3-4 आंकड़े हैं जिसको सब बच्चा याद करेगा। सबसे पहले उन्होंने एक आंकड़ा दिया है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल गोल ग्लोबल रिपोर्ट 2018। दोबारा बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल ग्लोबल रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार क्लाइमेट चेंज जो होता है होने से डायरेक्ट क्या हुआ है, इफेक्ट हंगर जो हुई है, ग्लोबल हंगर वो राइज हुई है, भुखमरी। ठीक है, और ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ये किसकी रिपोर्ट कहती है, UNSGR की रिपोर्ट। WHO क्या कहता है, WHO के आंकड़ों के अनुसार 2.5 लाख लोग मरे हैं। ठीक है, 2.5 लाख लोग मरे हैं पर ईयर जो है, नहीं, ये आंकड़ा है कि 2.5 लाख लोग पर एनम जो है इनकी डेथ होगी 2030 से लेके 2050। कितना बड़ा बड़ी बात है देखो। ठीक है, क्यों, क्लाइमेट चेंज होने से। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जब होगा तो क्या क्या होगा, माल न्यूट्रिशन बढ़ेगा, मलेरिया बढ़ेगा, डायरिया बढ़ेगा और हेल्थ जो है रिलेटेड स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस, ठीक है, हीट स्ट्रेस भी आएगा, अत्यधिक गर्मी पड़ना। ठीक है, इससे भी लोगों की मृत्यु कितनी होगी, 2.5 लाख के आसपास एनुअली लोग मरेंगे 2030 से लेकर 2050 तक। तो ये किसका आंकड़ा है, WHO का। वर्ल्ड बैंक का भी एक आंकड़ा आया है, देखो तो इतने सारे आंकड़े आ गए हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है उसकी कॉस्ट भारत में होती है 2.8% ऑफ GDP, भारत की GDP। ठीक है, तो भारत जो है क्लाइमेट चेंज होने के कारण 2.8% कॉस्ट हम कर रहे हैं GDP पे, जबकि ये कॉस्ट हम क्या करते हैं, हेल्थ पे भी कर सकते हैं, एजुकेशन पे भी कर सकते हैं। तो क्यों ना हम किस क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करें, इसको करने के लिए हमें करना चाहिए रीसीलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट चेंज के लिए हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी तब तक क्लाइमेट चेंज सक्सेसफुल नहीं होना हो पाएगा। हमारी कंट्री के जितने भी प्लान है, ठीक है, वेलफेयर प्लान, वो किससे रिलेटेड हैं, या तो वो पॉवर्टी एलिवेशन करते हैं, या वो लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारते हैं, या वो एजुकेशन सुधारते हैं, या तो सैनिटेशन पे हो गया स्वच्छ भारत अभियान, या तो वो हेल्थ इशू की बात करते हैं। कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो क्लाइमेट चेंज की बात करे। हालांकि एक प्लान है लेकिन कम्युनिटी लेवल पे कोई ऐसा प्लान नहीं है जो क्लाइमेट चेंज की बात की जाए। कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल नंबर 7, देखो ये किसी बुक में नहीं मिलेगा जब तक कि आप इन्वायरमेंट में PhD ना करें। ठीक है, जो PhD कर रहे हैं उनको किसी बुक में मिल जाए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि द हिंदू जैसी चीज़ों में भी आपको इतनी अच्छी आंसर राइटिंग मिलती है। अब देखो अपने काम की बात क्या आई, हर बच्चे को ये चीज़ याद रखनी है, कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल 7। अब हम अपने हर आंसर राइटिंग में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर हमसे सजेशन मांगेगा तो हम बोलेंगे कि कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 7 में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि शेड्यूल 7 बोलता है CSR से रिलेटेड एक्टिविटी, और CSR से रिलेटेड एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं, इस शेड्यूल के अनुसार कहता है कि आप पेड़ पौधे लगाओ, रिवर को साफ़ करो, लेकिन कहीं पे भी डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता। तो अब हमें इस पर क्या वर्ड नया डलवाना है कि कंपनी एक्ट के शेड्यूल 7 में अमेंडमेंट किया जाए और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को इसमें डाला जाए, तो कंपनियां और अच्छी तरीके से मोर स्पेसिफिक वे में क्लाइमेट चेंज पे काम कर सकेंगी। पास्ट के
3 साल के डाटा जो मिनिस्ट्री से आए हैं उसमें देखा गया कि CSR एक्टिविटी में जितना खर्चा किया गया है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब उन कंपनियों के जो Schedule 7 में अमेंड करके क्लाइमेट चेंज को भी डाल दिया जाए, तो वो अब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चेंज पे भी ज़्यादा करेंगी, तो ये हमें लिखेंगे एज ए सजेशन कि स्पेसिफिक मेंशन करो। इसके बाद हम पढ़ते हैं पेज नंबर 11, बिम्सटेक। बिम्सटेक जो है बे ऑफ बंगाल वाला ग्रुप है। ये बिम्सटेक में कौन कौन मेंबर हैं? नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है, और इंडिया हम तो हैं, बांग्लादेश, भूटान, तो हमारे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और इंडिया हो गया। तो बिम्सटेक जो है 1997 में बना था, इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? ढाका में है। अब बिम्सटेक की बात क्यों हो रही है? बिम्सटेक के जो लोग हैं, ठीक है, इनवॉइस हैं, उनका सम्मेलन हुआ, उन्होंने बोला कि अब आज तक बिम्सटेक की जो कंट्री हैं इनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, इसकी स्लगिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को दिखाता है। क्यों? क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात 2004 से चल रही है, आज 2018 आ गया, इतने सालों में अभी तक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाए, जबकि बाकी रीजनल ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा बिम्सटेक क्यों नहीं भर रहा? और इसमें भारत ऐसे लीडर की तरह काम करता है, तो कहीं ना कहीं भारत की भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे सवाल है कि क्यों अभी तक उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। और क्या क्या अटका पड़ा है बिम्सटेक में? इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड हाईवेज जो बनना है वो भी अभी पेंडिंग चल रहा है। 7% जो है ट्रेड करते हैं ये आपस में, इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है 7% है, और इस 7% को बढ़ा के कितना करना है? हमारा जो है टारगेट 21% तक इसका पोटेंशियल है। तो हम बिम्सटेक पे देखो, जब क्या कहते हैं आपका ब्रिक्स की गोवा सम्मिट हुई थी इंडिया में, तो बिम्सटेक को बुलाया गया था, ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिम्सटेक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, और आने वाले 2-3 साल में देखोगे कि बिम्सटेक पे बहुत ज़्यादा काम होगा, क्योंकि यहाँ पे रीजनल जो है हमें इकोनॉमिक पावर बनना है तो बिम्सटेक को भी साथ लेना पड़ेगा। तो बिम्सटेक के 2 इशू पेंडिंग है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का और ट्राई हाईवे। कौन कौन सा है? इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड हाईवे। तो आप इसको याद रखना, बिम्सटेक को अच्छी तरह फिर से पढ़ लेंगे। पेपर नंबर 2 क्लाइमेट चेंज, पेपर नंबर 3 स्वच्छ भारत अभियान, पेपर नंबर 2। अब आ जा सीधे पेज नंबर 11, NDRF। NDRF पे कुछ एक डेटाज आए कि NDRF में फंड कैसे डिवाइड होता है स्टेट के बीच में और नेशनल NDRF, SDRF के बीच में। ये आर्टिकल खुद से पढ़ना, और जो मैंने आपको पेपर नंबर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट बढ़ा है उसमें आपको ऐड कर देना, नहीं तो मैं आगे चल के आंसर आईटी में अपना भी करा दूंगा। पेज नंबर 13 में क्रेडिट रजिस्ट्री। क्रेडिट रजिस्ट्री के बारे में सभी को पता है कि क्रेडिट रजिस्ट्री एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो प्रत्येक बैंक को, प्रत्येक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, जो जो लेंडिंग करता है उनको ये डेटा प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि आप किसी बैंक से लोन लेने गए तो बैंक जो है क्रेडिट रजिस्ट्री से पहले आपका डाटा मंगाएगी, इसमें आपका पूरा डाटा होगा कि अब तक पास्ट में आपने क्या लोन लिया है कि नहीं लिया है, लिया है तो इंस्टॉलमेंट प्रॉपर भरी है नहीं भरी है, कितना पेंडिंग चल रहा है, तो आपकी वर्थनेस है कि नहीं कि लोन अप्लाई करने की, तो वो कौन करेगा? क्रेडिट रजिस्ट्री। और ये 360 डिग्री जो है इंफॉर्मेशन देगा, मतलब आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी बताएगा कि आप लोन को चुका सकते हैं कि नहीं है। इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, ठीक है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोली थी कि क्रेडिट रजिस्ट्री जो है बनेगी, जिससे क्या हम करेंगे, हम NPA में सुधार ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक को पहले ही पूरी नॉलेज मिल जाएगी, उसको जो है अपना होमवर्क कम करना पड़ेगा। प्रोविजनिंग नॉर्म के अंदर आता है कि आप के पास जो लोन लेने आ रहा है आप उसकी पूरी सर्विलेंस करें कि वो केस ने पास्ट में लोन चुकाया नहीं चुकाया। तो अब एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन करेगा क्रेडिट रजिस्ट्री, लेकिन इसमें भी दिक्कत है, तो वो घोषणाएं तो हो जाती है लेकिन उसको ज़मीन पे लाने में बहुत दिक्कत होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि DRTs बनने हैं, ठीक है, डिस्प्यूट रिड्रेसल जो ट्रिब्यूनल बनने हैं वो भी अभी पेंडिंग है, क्योंकि उनको अभी कोर्ट वाला अधिकार नहीं मिला है। ठीक है, ब्लैक मनी की बात हो रही है लेकिन जो मेन इंस्टीट्यूशन है जो NPO कम करना है उनको आप अभी तक
ग्राउंड लेवल पे ला नहीं पाए हो। क्यों नहीं ला पाए हो? क्यों? क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट की ज़रूरी है, तभी जो है क्रेडिट रजिस्ट्री जो है अच्छी तरह काम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो करती है फ़ंड, आरबीआई जो है उसका फ़ंड बहुत लिमिटेड है, वो करती है केवल और केवल किसको? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फ़ंड करती है। और क्रेडिट रजिस्ट्री जो है अभी कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा काम नहीं करता है। तो या तो इस एक्ट में अमेंड करो जिससे कि क्रेडिट रजिस्ट्री को कुछ फंडिंग मिले, जिससे कि अच्छा काम कर सकें। तो आप इसको याद रखना। पेज नंबर 13 पे एक और आर्टिकल आया है, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी टू रिस्पॉन्सिबल फॉर एनपीए। भारत में एनपीए बैंकों का इतना ज़्यादा हो गया है, तो लोग हर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एनपीए कैसे बढ़ रहा है, किस कौन कौन इसके पीछे है। तो हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ है रजनीश, उन्होंने जो है बोला है कि गवर्नमेंट इवन न्यायालय भी रिस्पॉन्सिबल है एनपीए के को बढ़ाने के लिए। उन्होंने क्या रीज़न दिया है कि कोल माइन जो एक्शन हुई थी उसका रेट्रोस्पेक्टिव जो कैंसिलेशन किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने पहले से ही जो है क्या कर रखा था, इन्वेस्टमेंट पूरी प्लानिंग कर रखी थी और जिनके कोल माइन के एलोकेशन रद्द हो गए। तो ऐसी कंडीशन होगी तो एनपीए तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं है, वो अपनी व्यू दे रहे हैं और इसमें भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कोई बात नहीं होती। हम रेस्पेक्ट पूरा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था कोल माइन एलोकेशन का, लेकिन हम उसमें अपने व्यू रख सकते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अपना व्यू रखा। भारत में जो एनपीए है आज की तारीख में 10.3 लाख करोड़ के आसपास छू गया है। इन्होंने बोला एक और बड़ा कारण जो है एनपीए बढ़ने का क्या है, कंसोर्टियम बैंकिंग। कंसोर्टियम बैंकिंग को समझो क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़े लोन होते हैं, मान लो 10,000 करोड़ का लोन है आप ले रहे हो, ठीक है, तो इसे कोई एक पर्टिकुलर बैंक नहीं दे रही है, तो बहुत सारी बैंक मिलके क्या करती हैं उस लोन को देती हैं। जैसे मान लो इस पिक्चर में SBI आ गई, ठीक है, PNB आ गई और इलाहाबाद बैंक हो गई। तीनों बैंकों ने बोला कि हम मिलके सामने वाले ग्राहक को 10,000 करोड़ का लोन देंगे। अब इसमें क्या होता है, अपना ये रेशियो पहले से फिक्स कर देते हैं। जैसे 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ में मान लो 50% के आसपास RBI दे रही है, बाकी जो 50% है 25-25% कर ले रही है। तो ऐसा जो कंसोर्टियम बैंकिंग होती है बहुत ज़्यादा भारत में होती है, क्योंकि बड़े बड़े लोन होते हैं, कोई भी एक बैंक रिस्क नहीं लेती, तो कंसोर्टियम बना के बैंक जो है लोन को देती हैं। तो इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा तो तीनों को पूछना पड़ेगा, SBI को भी, PNB को भी, इलाहाबाद को, तो आपस में डिस्कशन करते हैं। तो क्या है, डिसीजन टेकिंग प्रोसेस जो होती है काफ़ी केसों में देखी गई कि बहुत ही स्लो हो जाती है, तो उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है, जिसके कारण भी क्या होता है हमारी प्रोसेस जो होती है लोन देने की वो कम हो जाती है। और सामने वाले को जिसको एक प्रॉपर लोन चाहिए अपने जो है वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए, वो भी नहीं कभी कभी मिल पाता, और NPA जो है उसका बढ़ता जाता है। क्योंकि जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसे से तो वो पैसा कमाएगा ना, तो उसके जब प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाएंगे, बहुत लंबे पेंडिंग चलते रहेंगे, तो उसका तो लोन की घंटी बढ़ती रहेगी ना, तो फिर वो कहाँ से चुका के देगा। तो ये भी एक कारण है किसका, NPA बढ़ने का। तो यहाँ पे हमने जो है आपका कौन सा न्यूज़पेपर था, ये 21 अगस्त का न्यूज़पेपर ख़त्म कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एकेडमी, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।